अस्सलाम वालेकुम, आई एम राव दानिश। आज हम सकरण में थे, आज हम आए सकरण से थोड़ा सा दूर एक गांव में। इस गांव का नाम है नूर मोहम्मद गोट राजपूत। तो ये गोट भी आज हम जैसे दूसरी दफ़ा आए, हम भी इस गोट का विजिट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। गोट बहुत अच्छा गोट है और यहाँ पे प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, यहाँ पे सारे अपने भाई इधर। और अब घूमते दिखाते हैं कैसा गोट है आपको भी हम। और अभी हम चाय पी रहे हैं क्योंकि गाँव की चाय की बात ही कुछ और है, बिल्कुल खालिश दूध पे और दूध चाय होती है। और यहाँ का खेत है बहुत प्यारा खूबसूरत है माशाल्लाह। ये सारा खेत का मंजर पूरा आप दिखा रहे हैं अभी। अच्छा आप यहाँ पे गोट में रहते हो माशाल्लाह। और ये तो जो फसल है आपने कौन सी लगा रखी फसल? ये ज्वार है, इसको ज्वार बोलते हैं, भैंसों को जानवरों के लिए उसको खिलाते काट के। अच्छा वैसे यहाँ रहने के कोई फायदे बताएं, गांव में आप रहते हो माशाल्लाह, जमीन वगैरह के फायदे कुछ यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सारी फसल होती है, ईख भी होता है, कमाद गिरी भी होती है, कनकी भी होती है, फुट्टी भी होती है, हर फसल गंदम ये बस गंठे वगैरह भी होते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मेरे दो पर लीटर माशाल्लाह सारे बच्चे आपके ये? हाँ बस शुक्र। एक दो तीन चार पाँच छः, ये भी 7-8 माशाल्लाह 9, दो बच्चे और हैं तो पूरी टीम बन जाती है पाकिस्तान की। दो बच्चे और भी है, चलो पूरे माशाल्लाह टीम बन जाएगी माशाल्लाह। लेके बच्चे कहना नहीं मानते, बकरी भी मैं चराता हूँ, घास भी मैं करता हूँ। अच्छा चलो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी रोजी में बरकत है अल्लाह पाक। ठीक अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो भाई? वैसे आप लोग यहाँ गाँव में रहते हो, वैसे आपको गाँव के कुछ फायदे बताओ, और यहाँ पे कोई तालीमी निज़ाम भी है गाँव में या नहीं? तालीम की तरह सारा दिन खेती बाड़ी करते हो, कहाँ है तालीम? नहीं मैं नीलाम हूँ, स्कूल वगैरह तो होंगे ना, स्कूलों को काम ही ऐसा बंद पड़े एक साल से, जो थोड़े बहुत तालीम थी वो भी खत्म हो गई है। तो फिर अभी क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब जमीन की खेती बाड़ी? चलो अल्लाह पाक इसमें आप बरकत दे। और क्या पूरा दिन मतलब इसी में गुजरता है या और कुछ भी काम करते हो? माल रखा है, भैंसे हैं, बकरियां हैं। अच्छा ठीक है। इनको भी पता नहीं कि मूवी बन रही है बकरों को। आओ करिए बाजो ताकि तुम्हारी अच्छी मूवी आए। कौन सी वाली? और वैसे क्या करते हो? घास देते हैं। अच्छा ठीक है। ये नूर मोहम्मद गोट है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। देखो सारे बच्चे खड़े हैं हमारे पास। बच्चों कैसे हाथ तो हिला दो कैमरे सामने, जल्दी हाथ हिला दो, शाबाश। ठीक है ओके okay, खुश रहो, हमारी दुआ आप। ठीक है फिर चलते हैं, हम आज गोट में आए, मज़ा आया, फिर आगे देखते हैं और कौन कौन सी जगह है। ठीक है अल्लाह हाफिज़। अभी हम आए सकरण स्टेशन पे, ये स्टेशन काफ़ी पुराना है, यहाँ पे ट्रेनें चलती थी रुकती थी, मगर कम से कम 25 साल हो गए इस स्टेशन को, और जो है 25 साल से अभी इधर ट्रेन नहीं चलती। हम आपको दिखाते हैं स्टेशन की लोकेशन कैसी हो रही है। स्टेशन अभी बिल्कुल खंडर बना हुआ है, बहुत पुराना ज़माने का स्टेशन लग रहा है, अभी आपको दिखाते हैं। ये स्टेशन है, अभी हम सकरण घूम रहे हैं। ये मेरा भांजा है आज चौधरी, और इसका नाम है समी, थोड़ा इधर देखें, ये समी है, भांजा है मेरा। ये आज चौधरी बड़ा उस्ताद आदमी है, गाने बड़ा बहुत अच्छा, डांस भी बहुत प्यार करता है। आज हम सकरण में हैं, आज घूम रहे हैं सकरण शहर। अब हम जो है पुल के ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, आज चौधरी पहले भी आए पुल पे आप? अच्छा वैसे लोकेशन आज चौधरी अच्छी जगह आप लेके आओ मेरे को, लोकेशन बड़ी प्यारी इस पुल के ऊपर से, सारा नीचे का मंजर सब दिख रहा है, नीचे का मंजर।
किधर? अब बोलो ऊंचाई बहुत है आज चौधरी इसकी। लोकेशन बड़ी प्यारी आ रही है, पीछे का बैकग्राउंड जो जबरदस्त किस्म का आ रहा है, ये आप देख सकते हैं पुले और काफी ऊंचाई पे है। नीचे का पूरा मंजर ना, पूरी लोकेशन देखो नीचे की पूरी। तो जब मौसम और ज़्यादा प्यारा हो तो फिर और ज़्यादा मज़ा, मौसम अच्छा हो ना फिर तो, बरसात का मौसम हो फिर और ज़्यादा मज़ा है फिर स्कूल का। अब जो है मगरिब का टाइम हो गया है, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है, अब हम घर की तरफ चलते हैं, फिर और आपको अच्छी अच्छी जगह इंशाल्लाह दिखाएंगे। अभी आज सकरण का बाज़ार भी हम आपको दिखाएंगे, फिर अब हम जाते हैं बाज़ार की तरफ, फिर आपको कुछ आज हम बाज़ार का विजिट कराते हैं, आपको सकरण का बाज़ार दिखाएंगे आज, ठीक है? अब चलते हैं बाज़ार की तरफ। इसकी लोकेशन ये बाजार है सकरण का, ये सलाम वालेकुम ठीक है भाई आप? भी दोनों तक चलाते हैं। माशाल्लाह सकरण का बाजार है, वाकई नाम है सकरण का, बाकी वाकई बड़ा जबरदस्त बाजार है, बड़ा बाजार है सकरण का। सलाम वालेकुम सर जी, क्या चीज़ें ये? माशाल्लाह मैंने तो आज पहली बार देखा है, आज मैंने आज जिंदगी के अंदर ये चीज़। अच्छा तो माशाल्लाह खुशबू पूरे उसमें फैल जाती है फिर तो। इसके प्राइस क्या है इसके? मुख्तलिफ रेट की, ये बड़ा वाला है ये 3500 रुपये का, इसके छोटे कार वाले भी आए हैं जो मोबाइल के चार्जर पे चलते हैं। अच्छा 1200 का तो मतलब ये चार्ज भी होता है? ये नहीं नहीं चार्ज नहीं होता, मतलब जो चलता है लाइट पे सर्किट पे लाइट पे लगा है। अच्छा रूम स्प्रे का जो काम कर रहा है वो जी जी दो चार कचरे सही और पानी होता आम था। अच्छा वेरी नाइस जबरदस्त।